राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद पहुंचे चंडीगढ़, बोले, ओलंपिक में पदक न जीतने से निराशा। भारत के मुख्य राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद रविवार को चंडीगढ़ पहुंचे हैं। शहर में नॉर्थ जोन इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को सेक्टर 38 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रतियोगिता का फाइनल खेला गया। इस प्रतियोगिता में खेलने वाले खिलाड़ियों का हौसला अफजाई के लिए ही राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद चंडीगढ़ आए हैं। गोपीचंद दोपहर 1 बजे सेक्टर 38 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। इस दौरान पद्मश्री और राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक में हमें पदक से उम्मीद थी, लेकिन इस बार पदक नहीं जीत पाने से थोड़ी निराशा जरूर हुई है। इस पर हम सबको मिलकर मंथन करना होगा। उन्होंने कहा कि बैडमिंटन के खिलाड़ियों को एकाग्रता से खेल को खेलना होता है। देश में बैडमिंटन के प्रति युवाओं की रुचि काफी ज्यादा है। देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कमी है तो उस प्रतिभा को निखारने की। इसलिए खिलाड़ियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए ताकि वे अच्छा अभ्यास और बेहतर तैयारी कर सकें, ताकि हमारे खिलाड़ी देश के लिए पदक जीतें। नेशन न्यूज़ ब्यूरो चंडीगढ़। नॉर्थ जोन इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में आते हुए बहुत खुशी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सारे जो नॉर्थर्न स्टेट्स के हैं वो यहाँ पे जूनियर और सीनियर लेवल पे खेल रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे टैलेंट को मुझे देखना मिला। और आने वाले समय में यहाँ से इस बेल्ट से जो है काफ़ी अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे, ऐसी उम्मीद है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये वर्ल्ड लेवल पर अच्छा करेंगे। आपको अपने सर स्टार्टिंग टाइम की कुछ याद है बच्चों को देख करके? आई थिंक हम सभी जो प्लेयर्स है इसी दौर से गुजरे हैं। हमारे लिए जो जोनल चैंपियनशिप और नेशनल चैंपियनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता था। आज बैडमिंटन का स्तर ऊपर बढ़ा है, और इसके वजह से काफ़ी अंतरजातीय टूर्नामेंट भी भारत में खेलने को मिल रहे हैं। बट हम जब बचपन में खेलते थे तो यही टूर्नामेंट्स हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन्स थे इंटरनेशनल बैडमिंटन के लिए।
इंटरस्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में आते हुए बहुत खुशी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सारे जो नॉर्थन स्टेट्स के हैं वो यहाँ पे जूनियर और सीनियर लेवल पे खेल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे टैलेंट को मुझे देखना मिला और आने वाले समय में यहाँ से इस बेल्ट से जो है काफ़ी अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे ऐसी उम्मीद है। अभी भी हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये वर्ल्ड लेवल पर अच्छा करेंगे। आपको अपने सर स्टार्टिंग टाइम की कुछ याद है बच्चों को देख करके? आई थिंक हम सभी जो प्लेयर्स है इसी दौर से गुजरे हैं। हमारे लिए जो जोनल चैंपियनशिप और नेशनल चैंपियनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता था। आज बैडमिंटन का स्तर ऊपर बढ़ा है और इसके वजह से काफ़ी अंतर जातीय टूर्नामेंट भी भारत में खेलने को मिल रहे हैं, बट हम जब बचपन में खेलते थे तो यही टूर्नामेंट्स हमारे लिए स्टेपिंग स्टोन्स थे इंटरनेशनल बैडमिंटन के लिए। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़, देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।